सरकार आ रही है कि नहीं? वो तो आ ही रही सरकार, बीजेपी सपा आ रही है यार, सपा में बुआ आ रही तुम्हारी, इनकी बुआ आ रही है। आएंगे तो योगी जी आएंगे। टोटी चोर है, टोटी चोरों की सरकार नहीं आएगी, आएगी तो बाबा की सरकार आएगी, ईमानदारी से काम होगा। फिर यहाँ देख के लग रहा है कि अखिलेश यादव का कितना, जैसे लखनऊ में ही कहा जाता है कि लखनऊ में सबसे ज़्यादा काम किया है, यहीं जनेश्वर मिश्र पार्क के आगे हम लोग खड़े हैं और यहीं पर लोग कह रहे हैं कि टोटी चोर अखिलेश भैया नहीं आएंगे। कोई और भी मुख्यमंत्री कोई और है जैसे, नहीं भाई तो बदल भी सकती है, भाजपा को वोट ही नहीं देंगे अगली बार अगर बदलेगी तो। हाँ, तो मतलब जनता की मांग है कि योगी जी ही आए उनकी, तो योगी जी से आने वाले 5 साल में क्या उम्मीद है, क्या चाहिए आपको, यूथ को क्या चाहिए? यूथ को चाहिए यूथ के लिए काम करें। हाँ, जैसे नौकरी बढ़ाएं। सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान दें। मतलब नए नए वो लेकर आए स्कीम जिससे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, उसके लिए तो चल रही है ऑलरेडी स्कीमें, चल रही है, यूपी ने भी काफी अच्छा किया है, हमें नहीं पता ना। चल, भाजपा आ रही है भैया उत्तर प्रदेश में पुनः दोबारा जी। तो मतलब अभी सीएम सही है, काम सही हो रहा सरकार में, आगे भी यही होगा? हाँ, गवर्नमेंट में कौन मतलब कौन से समस्याएं? नहीं, कोई समस्या नहीं। से ये बताइए, आम किसान कौन सा धर्म, मतलब किसान को देखा जाए अगर तो वहाँ एक जितना मतलब आम किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश का तो कोई नहीं गया है, ठीक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो जिससे सरकार को लगा कि किसान के हित में कार्य नहीं हो रहा है, सरकार ने फैसला वापस ले लिया। अगर किसान को नहीं दिक्कत तो सरकार को क्या दिक्कत है? युवा के लिए ठीक है भैया, जब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं जी, क्या चाहिए आगे भविष्य में, क्या चाहिए भविष्य में मान लीजिए रोजगार चाहिए, लेकिन पहले देश अगर सुरक्षित रहेगा तब रोजगार के लिए भी कदम उठाया जाएगा।